जैसे कलकत्ता में चलता है एमसी हनी का फ्री स्टाइल, वैसे शब्दानी में चलता अबे जेट के लाइफ स्टाइल। हाँ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेट के लाइफस्टाइल। मैं हूं आपका दोस्त जिशान। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो आज बात करने वाले हैं एमसी हनी के ऊपर। जी हां दोस्तों, जो फ्री स्टाइल रैप के लिए जाने जाते हैं। तो मैंने भी उनका रैप फेसबुक पे सुना था, बहुत ज़्यादा ही फेसबुक पर वायरल हुआ था। तो चलिए मिलते हैं उनसे, चलते हैं नेहट्टी। फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं स्टेशन पर। तो ये स्टेशन पर बहुत ही ज़्यादा ही भीड़ रहती है। तो जैसे कि नियाज भाई टिकट कटा रहे हैं, पीछे टिकट की लाइन लगी है। मैं नियाज भाई टिकट के लिए खड़े हैं। फिर ये हम लोग थोड़ा स्टेशन घूर लेते हैं। तो गाइस अगर बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहा तो ट्रेन का हम वीडियो बनाने नहीं सकेंगे, तो माफ़ कीजिएगा। अगर भीड़ नहीं रहा तो हाँ बनाएंगे, अगर भीड़ नहीं रहा तो वीडियो ज़रूर आएगा। बिकॉज अभी रखते हैं हम फिलहाल, बाय टाटा सी यू। तो भाई को फ़ोन किया, अभी भाई हमको पिकअप करने के लिए आ ही रहे थे, तो हमने कह दिया रहने दीजिए हम ही आ जाते हैं। इसलिए बाज़ार भी यहाँ पे है तो बाज़ार भी हम लोग घूर लेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे स्टेशन के पास ही मार्केट है, तो यहाँ पे देख रहे हैं बट लेडीज मार्केट हमको जहाँ तक नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा अच्छा सामान यहाँ पे मिल रहा है, लेडीज मार्केट है। यहाँ पे बैग का भी दुकान है, कपड़ा दुकान भी यहाँ पे बहुत है। सिर्फ लेडीज़ का आइटम है और जेंट्स का शायद कुछ भी नहीं हो, जेंट्स का कुछ भी नहीं यहाँ पे मिल रहा है। मोबाइल दुकान, जेंट्स का दुकान भी खोज रहे थे, देखें कहाँ है जेंट्स का दुकान। तो चलिए चलते हैं। तो आ गए हमने हट्टी, तो हनी भाई भी आ गए हैं। हनी भाई को भी हम दिखाते हैं, कुछ क्वेश्चन रहेगा हनी भाई से हम लोग पूछते हैं, और शायद आपका भी दिमाग में वो क्वेश्चन होगा, फिर भी हम पूछते हैं। देखें अगर आप दोनों का क्वेश्चन मिल जाए तो जवाब भी सुन लीजिएगा। भाई भी बहुत हटके हैं, चलिए दिखाते हैं। और तो भाई कैसे हो? ठीक है, तो आ गए हनी भाई से मिलिए। बहुत देर वेट कराया हम, यहाँ पे 4 बजे पहुँच गए, अभी कितना बज रहा है टाइम? अभी फोकस कीजिए इसमें, टाइम कितना हो रहा है अभी? 5:06। हनी भाई ने हमको 1 घंटा 6 मिनट मतलब वेट कराया। नहीं मतलब एक्चुअली क्या बात है कि मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था आने के लिए, सो मुझे बहुत लेट लगा। और जो टोटो वाला भी मिला तो अभी बहुत स्लो चला रहा था, मुझे लगा कि धूम चलाएगा बट धूम के जगह वो टमटम चला रहा था, तो इसलिए सॉरी। कोई बात नहीं, मिल लिए ना। तो ये फर्स्ट टाइम मीट है मेरे जिसान भाई के साथ में, और अपना भाई जो कैमरा लिया हुआ है वो तो मेहताब, वो तो अपना भाई फेवरेट ही बंदा है। तो और आप लोग को वेट नहीं कराते हैं क्योंकि हमको भी यहाँ निकलना होगा। तो भाई के लिए कुछ लिख के लाए हैं, कुछ क्वेश्चन है भाई के लिए तो पूछना चाहते हैं। तो हाँ हनी भाई, आपका यूट्यूब पे जैसे हम पहले नाम देखें एमसी हनी, तो आपका रियल नाम क्या है? मेरा रियल नाम है सूरज कुमार जायसवाल। थोड़ा जोर से। हनी जायसवाल मेरा रियल नाम है। तो एमसी का मतलब मीनिंग क्या होता है? देखिए एमसी का मतलब क्या होता है कि ये मैंने जो मेरा हिप हॉप का मतलब कॉम है, जो अंडरग्राउंड कॉम है मेरा, एक डांसर का कॉम है, ठीक है। तो मैं पहले वहाँ पे जाके फ्री स्टाइल किया करता था, तो मुझे उन्होंने बोला कि तू मतलब रैपर नहीं है, तू एमसिंग करता है। एमसिंग का मतलब ये होता है कि माइक लेके वो बिना लिखे बिना कुछ सोचे समझे मतलब कुछ अच्छा गा सकता, मतलब फ्री स्टाइल। हाँ फ्री स्टाइल कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। हाँ तो ज़रूर हनी भाई से एक फ्री स्टाइल करवाएंगे अभी जस्ट। तो मतलब ये है कि माइक लेके वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मेरा नाम एमसिंग पर है। अच्छा, तो हम पब्लिक को ऐसे एमसी का मतलब मिडिल क्लास बता चुके हैं, तो एमसी का मतलब आप भी जान गए। देखिए एमसी का मतलब होता है बहुत सारा मतलब आता है, ठीक है। जो आजकल के मीम्स मतलब जो है मीमर है वो कुछ उल्टा लेंगे, तो भाई अपन भी मीमर है जैसा जैसा सोच, ठीक है। और एमसिंग का मतलब मेरा थिंकिंग से है माइक कंट्रोलर, क्योंकि हम लोग रैपर नहीं है, हम लोग माइक कंट्रोलर है, हम लोग माइक लेके कुछ भी कर सकते हैं।
अच्छा भाई, तो आप मतलब कब से YouTube जर्नी स्टार्ट किए? भाई YouTube जर्नी मेरा 2018 से। 2018 से, तो फिलहाल सब्सक्राइबर अभी कितना क्रिएट हुआ है? मेरा 11,520। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे थैंक यू। अच्छा, बाकी कोलकाता का जो हिप हॉप रैपर है उनके लिए कुछ आप मतलब उनको आप कैसे देखते हैं, किस नज़रिया से उनको देखते हैं आप? देखिए भाई, कोलकाता के रैपर के बारे में अगर बात करें तो मुझे तो अगर मैं सच बोलूँ तो अगर ये हो सकता है कि कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, बट मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे बोलूँगा कि कोलकाता में कुछ कुछ रैपर ऐसे हैं कि जो बड़े बड़े रैपर के भी फाड़ दें, ठीक है, और कुछ कुछ रैपर ऐसे हैं कि जो मतलब जिनके वजह से हमारे कोलकाता का हिप हॉप का नाम बदनाम हो रहा है। आप समझ ही सकते हैं, ना मैं किसी का नाम मेंशन करूँ ना मैं किसी का बोल रहा हूँ, ठीक है, बट जो सच है मैं सच दिखा रहा हूँ, फैक्ट, ऐसा बात है। तो मुझे मतलब ऐसा अगर बात करें तो सब अपना जगह में सही है, ठीक है, उनको लग रहा है कि मैं ये करके अगर आप आगे निकल सकता हूँ तो उनके लिए बहुत बेटर है, लेकिन मुझे कुछ अलग ही करना है। अच्छा, आप जब आपका फ्री स्टाइल मैंने अगर फेसबुक पर देखा था उस टाइम 50K व्यूज पार था, उस टाइम से मैंने आपको जाना। तो आप जो फ्री स्टाइल करते हैं मतलब ये लिखते हैं या फ्री स्टाइल मतलब जो भी नाम बताने से आप कर देते हैं? भाई मैं अगर बोलना चाहूँ तो देखिए, सबसे बड़ा बात कि मैं आपको एक अपना सीक्रेट बताता हूँ कि मैं जुबान से हकला हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई गाने लिखता हूँ तो वो गाने में गाने नहीं सीखूँ क्योंकि मुझे पढ़ने में दिक्कत होता है। मतलब मैं अच्छा खासा पढ़ाई किया हूँ, ऐसा बात नहीं कि मैं अनपढ़ गवाड़ हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है क्योंकि एक हकला जुबान के लिए पढ़ना इम्पॉसिबल होता है, तो इसलिए मैं ऑलवेज ही फ्री स्टाइल किया। तो कुछ मतलब आजकल के रैपर्स हैं, बच्चे हैं जिनको कुछ समझ नहीं है, वो क्या बोलते हैं कि हनी भाई लिख के गा रहा। अरे भाई लिख के कैसे गाएगा, आप सामने आके मिलो ना, यूट्यूब पे तो कोई भी हीरो बन सकता है, सामने आके मिलो, मैं सामने वाला बंदा हूँ, मैं सामने वाला बंदा हूँ, मैं यूट्यूब वाला बंदा नहीं हो गया, हाँ भाई ये कर दूंगा वो कर। तो भाई ये आप खुद ही सा बात है कि मैं कभी लिखा नहीं हूँ और ना कभी मैं लिखना चाहूँगा। अच्छा, और आप हिप हॉप में आए तो आपको मतलब अपने मोहल्ले या पब्लिक का मतलब कितना सुनना पड़ा था? मतलब होता नहीं है कोई कोई पीछे से बोलता है ये वो कर रहा है क्या कर रहा है, मतलब अपना काम से कुछ नहीं बात बोलूंगा, दूसरा का काम देखता है कि वो क्या कर रहा है। नहीं मैं बात बोलूंगा, जब मैं हिप हॉप में आया था तो उस टाइम तो अब कुछ इस बात है कि जो पहले बार आता है उसको उतना नॉलेज रहता नहीं है, मुझे लोग कहा करते थे कि ये सब फालतू की चीज़ है, ये सब मत किया कर, तू हकला है, तेरे से तो और भी नहीं हो पाएगा, तू एक वर्ड भी मतलब बोलने नहीं सकता ढंग से, तू रैप क्या करेगा, मेरे मजाक उड़ाते थे। और जब देखें कि एपी पे मेरा वीडियो चल रहा, मेरा वीडियो का भी मतलब 2,00,000, 5,00,000, 1,000,000 पार करता था जब एपी पे, तो उसकी गर्लफ्रेंड भी बोला करती थी कि मुझे MCNE से बात करवा दो। कामयाबी मेहनत की देन है, किसी का किस्मत उस्मत नहीं होता है भाई। नहीं मैं एक ही बात बोलूंगा सबके लिए कि जो दुनिया है ना, दुनिया में हर एक चीज धोखा दे सकती है लेकिन एक माँ और मेहनत कभी धोखा नहीं देता। अच्छा, और जो आप YouTube पे हैं तो कोलकाता का कौन कौन रैपर आपको सपोर्ट करता है? जस्ट जैसे कि मैं अगर आपका साथ हूँ, मैं भी रैपर हूँ, तो आपको समझाऊंगा कि भाई ये करना होगा वो करना होगा, सपोर्ट भी करता हूँ, तो कुछ ऐसा रैपर है जो आपको सपोर्ट करते हैं? भाई अगर इसमें सबसे पहला नाम आएगा तो जामिल नवाब जमील, जो हमारे ही एरिया के, वही तो यस, उनसे मेरा मीट हुआ था इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वो अपना चबदानी का गाना डालने वाले थे तो मुझे उन्होंने टेक्स्ट किया, मैंने सोचा भाई भाई रैपर है क्या, मैंने चेक किया, बात करते करते इतना अच्छा बॉन्डिंग बन गया कि लगता ही नहीं है कि हम लोग दोस्त हैं, लगता है भाई है। और एक है किंग आरजी, और एक तो आप जानते ही हैं श्रीकांत, देखो कहा लगा हम नहीं आएंगे, लौटेंगे मामा लौटेंगे, और भी बाकी कुछ कुछ रैपर हैं तो उनके बारे में बताएंगे बाद में। अच्छा, आप यूट्यूब का जिंदगी और रियल जिंदगी फैमिली को मेंटेन करना पड़ता है ना, तो आप वो कैसे मेंटेन करते हैं और क्या क्या मतलब काम करते होंगे रियल जिंदगी में? भाई रियल जिंदगी रियल लाइफ में मैं जॉब करता हूँ 5:30 से 12 का, और मुझे थोड़ा बहुत मतलब जैसे ये जो मेरा रैप का लाइफ है और रियल लाइफ को ले जाने में बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बट करना पड़ेगा, अगर ज़िंदगी को तुमको बदलना है तो मेहनत करना पड़ेगा। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि वो अभी भी बहुत सारे मतलब बहुत जगह चलता है कि जब चीज़ कोई जलता है ना तभी उसका कीमत बढ़ता है। तो बड़ा बात है कि भाई मैं मतलब खुद पे ध्यान देना छोड़ दिया, बट अपना फैमिली को और अपना करियर को लेकर सुन। और एक सवाल जो हम इसमें लिखे नहीं है फिर भी अभी आया दिमाग में कि जैसे मैं कोई हीरो हूँ, भाई कोई हीरो है, तो इनको भी तो कोई पसंद होगा, तो क्या आप कोई रैपर का नाम बता सकते हैं जिसे आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छा वो थीम में डालता है वीडियो? इसके अगर बात करें तो भाई मैं कुछ कुछ रैपर को सुनता हूँ, बाकी देखो भाई मैं अगर सीखा हूँ तो मैं खुद से सीखा हूँ, ठीक है, मैंने किसी से नहीं इंस्पिरेशन लिया, बट मैं सुनता सभी को हूँ,
चाहे वो अच्छा हो या गंदा हो, मैं सुनता सभी को, क्योंकि सुनता हूँ कि काम कैसा है भाई, कैसा नहीं। मुझे पता है कि मैं अभी काम करने नहीं सक रहा हूँ, मेरा हालात ऐसा नहीं है, बट काम तो सुन ही सकता हूँ। अगर ऐसे बात बोले तो मुझे सबसे फेवरेट मेरा रैपर्स लोग है किड शॉट, उसका फ्री स्टाइल भाई मतलब इंडिया में और सब कोई तोड़ा नहीं है। उसके बाद है एमसी स्टैन, लोका, ये सब का गाने मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। अच्छा, तो फ्यूचर क्या करने वाले हैं आप भाई? फ्यूचर की जैसे फ्यूचर भाई देखिए, क्या करना है भाई? देखिए, अगर सच में बोलूँ तो मैं सोच के बहुत कुछ रखा था, ठीक है। जब मैं हिप हॉप की इंडस्ट्री में आया था तो मुझे ये पता है कि मुझे पैसा से मतलब नहीं है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, मुझे पैसा से मतलब नहीं है। मेरे पास हाथ दिया है भगवान, पाँव दिया है, मैं खटके खा सकता हूँ। मुझे हिप हॉप से पैसा का जरूरत नहीं है। अगर मिले तो वो बात का बात है, ठीक है, मिले तो मैं उसको उल्टा जो अपना गाना है गाने में लगा। हाँ, तो वो तो जिंदगी जीने के लिए पैसा दरकार पड़ता ही है, ठीक है। मतलब मेरा ये थिंकिंग था कि मैं पैसे के लिए आया हूँ हिप हॉप में, नहीं, मेरा ये सब था कि हाँ मैं रैपर बनूँ, ऐसा करूँ ऐसा करूँ। बट अगर यहाँ पे बात है कि फ्यूचर का प्लानिंग मेरा था कि मैं गाने डालूंगा हर महीने में दो वो या फिर हर महीने में एक, लेकिन अभी मेरा हालात उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि डालना, मेरा हालात थोड़ा ख़राब है। तो मैं सोचा हूँ कि अपना चैनल का अब मैं चेंज करूँगा, मैं सिर्फ चैनल में फ्रीस्टाइल डालूंगा। अच्छा, और एक बात, आपका हाल ही में एक वीडियो जो अपलोड किए थे वो डिलीट कैसे हो गया भाई? और वो गाना का थंबनेल क्या था भाई? वो गाना का थंबनेल कुछ नहीं था, ठीक है। मतलब मुझे मेरे एरिया के लड़के लोग कह रहे थे डिमांड कि मुझे कुछ अलग टाइप का गाना चाहिए, तो मैंने उस पर फोकस नहीं किया। बट फिर भी मुझे सब बोल रहे थे कि भाई ऐसा गाना डालो, ऐसा गाना डालो। मैंने बोला चल एक बार ट्राई करके देखता हूँ। वो गाना मैंने छोड़ा नहीं था, बस मैंने ट्राई किया था, ठीक है, कि देखो मैं ऐसा करके क्या होता है। तो मुझे पब्लिक का रिस्पांस बहुत ज़्यादा आया। मुझे भी पता है कि आजकल की जो पब्लिक है वो एड़ा एड़ा गाना में बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। हाँ। अगर मैं कुछ सच लिखूंगा, अरे क्या फालतू का ये रैपर है, अरे रियलिटी का ज़माना नहीं है, मतलब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बोल रहा वो बोल रहा। अगर इसी में मैं बोल दूँ कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये ला दूंगा वो ला दूंगा, ये खिलाऊंगा वो पिलाऊंगा, ये गाना मेरा मिलियन भी क्रॉस कर सकता। अगर वो गाना मेरा डिलीट हुआ था, क्योंकि वो वाला जो बीट है ना मुझे बहुत पसंद आया था, वो बीट पे मैंने फ्रीस्टाइल किया था, वो गाना मेरा सिर्फ 80% फ्रीस्टाइल था। तो क्या यूट्यूब कम्युनिटी ने डिलीट किया था? नहीं, जिसका बीट था न्यूटन एक्स स्ट्राइक दिया था तो डिलीट हुआ था। मैंने फिर से रीअपलोड किया है, मेरे एक आरके से सेवनबल के बीट मेकर है मेरा भाई, तो वो बीट बना के दिया, फिर से मैंने रीअपलोड किया। अच्छा, तो चलिए हो गया खत्म, जितना दिमाग में था सब बाहर निकाल दिया। और फिलहाल बहुत जोर की भूख लगी है, क्योंकि हम लोग जहाँ से आए हैं बहुत टाइम लगा, बहुत दूर चल के आना पड़ा, तो हम लोग रास्ते में कुछ खाए नहीं। कि वो भाई से कब मिले बहुत ज़्यादा, मतलब फर्स्ट ब्लॉगिंग था ना, अगर कुछ गलती हुआ होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, फर्स्ट ब्लॉगिंग है, मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक और बंदा मेरे साथ आने वाला था जो अभी नहीं आ पाया, कुछ प्रॉब्लम होगा उसको, तो मैंने पूछा नहीं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मैं सोच रहा था कि हाँ मुझे करना है, मुझे ये करना ही है, तो मैं घर से जिम्बल माइक कैमरे उठाया और निकल गया। तो क्या है, शुरू में क्या ना, मैं घर से जब निकला तो पब्लिक हमको ऐसा देख रहा था ना कि हम कुछ और कर रहे हैं, पब्लिक वहाँ का कुछ समझा नहीं। तो हम बोले नहीं, अगर हमको आगे बढ़ना है तो हम हिम्मत चाहिए, और फिलहाल अकेले थे तो शुरू में सफ़र पे निकले तो अकेले ही निकले, थोड़ा सा डर लग रहा था, बिकॉज अभी डर नहीं लग रहा है। नेक्स्ट अगर वीडियो आएगा तो मैं कोशिश करूँगा और हार्ड वीडियो देने की, अब मुझे समझ में आ गया। हाँ, तो हेलो एवरीवन, तो हम फ्री स्टाइल रैप के लिए बोले थे, तो हनी भाई अभी वहाँ पे हैं, तो हमने अपना वर्ड निकाल लिया है, अब देखते हैं हनी भाई क्या नर्वस हो जाते हैं या मेरा वर्ड सुन के फटाफट गाते हैं। चलिए, तो फ्री स्टाइल करते हैं। चलो लेडियाँ, जैसा कि मेरा चैनल का नाम है जेटके लाइफस्टाइल, तो आप जेटके लाइफस्टाइल के बारे में, मतलब मेरा चैनल के बारे में कुछ? वेट, एक मिनट, बीट बजा ले अपना। चलो फिर से रेडियाँ, जेटके लाइफस्टाइल, या ओके चेक। भाई जैसे कलकत्ता में चलता है एमसी हैनी का फ्री स्टाइल, वैसे शब्दानी में चलता अब जेट के लाइफ स्टाइल। हाँ, तेरा भाई के लाख सर पे रहती परेशानी, फिर भी तू चेहरे पे रहता है हरदम स्माइल, इसकी बंदी को पसंद है तेरे भाई का स्टाइल, मेरे हाथों में है रेडमी का मोबाइल। क्या बोल रहे हो भाई, अरे क्या बोल रहे हो भाई, अगर रैप सुनना सीधे यहाँ नेटी में आए, चाय भी ये पीते अपन पीते यहाँ छुट्टा पर, सच्ची बातें बोले अपन बंदे नहीं झुट्टा पर, है मेरा किस्मत साला लगता जैसे फुट्टा पर, लेवल का कभी भी बना नहीं मैं तो कुत्ता। हार्ड और कोई मिडिल क्लास के बारे में, गरीब के बारे में कुछ, मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके लिए ये
गरीब घर का मैं हूँ लड़का, मैं तो रात भर करूँ काम, बेटा घर चलाना नहीं है आज यहाँ आसान, बाप पेट काट के लड़के को यहाँ पे पढ़ाए और लड़का बंदी के पीछे मैं पैसे दे कुराए। गरीब घर का मैं हूँ लड़का, रात भर करता काम, ये तो फ्री स्टाइल में कर रहा है एमसी हनी मेरा नाम, जो भी वर्ड देगा फटाफट रैप बन जाता, तेरा भाई कभी यहाँ भाव भी नहीं खाता, मेरे सर पे नहीं छत पर दिल में अभी जान है, पूरे कलकत्ता में चलता मेरा नाम है, मैं नहट्टी में रहता लेके सुबह से भी शाम बे, मैं सुबह में उठ के करता रहता यहाँ काम बे, घर वाले को भी मुझ पे हुआ नाज, मेरे पैसे हैं पर मेरा तो बाप का है यहाँ राज, हाँ कल को आज मुझे कोई नहीं है जानता, पर कल को तेरा भाई पहनेगा हिप हॉप का ताज, सबको सलाम। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, या ए कोरोना, ए ए कोरोना, ए ए हाँ पीछे की ये बातें सब छोड़ो ना, अभी फैल गया इधर पे कोरोना, तो फिर करना है सबको यहाँ पे मास्क ऑन, अरे मेरा साथ आने वाला रैपर यहाँ कौन, जैसे फ्री स्टाइल में करता मैं तो फ्री स्टाइल का डॉन, मैं तो रात भर घर में रहता हूँ या मॉम, फिर बाहर में निकलता तो फिर होता सुन सराबा, हिप हॉप के बस्ती में होता खून खराबा। मामा मारिश है हमको, मामा मारिश है, मामा मारिश है, कहो कलकत्ता का स्लैंग हो गई, चेक चेक मारिश है। हम मास्क नहीं लगाए जा रहे थे बाजार में, मामा बुला के दिया दो डंडा, हाथ में लिया था तेरा भाई सादा सादा, अबे मुर्गी का लिए थे हम समझा अंडा, मेरा अंडा भी फूट गया डंडा भी टूट गया, चुतर पूरा मामा कर दी से लाल, घर में गया मम्मी बोली का हो गया है, बोले मामा मार के कर दिया बुरा अभी हाल, अरे मास्क लगाओ जहाँ भी तुम्हें है जाना, कचौड़ी या फिर तुम्हें पचौनी है खाना, चचा लोग को बस यहाँ रात को चढ़ाना, फिर गाली देता अपन रैप का दीवाना, अरे समझो गया मामा मेरा पाड़ दिया पैजामा मार मार के, अरे समझो गया मामा, ये लोग पाड़ दिया पैजामा मेरा मार के, मेरे बातों में अरे धार में क्या हो गया ना सर। हाँ चार्ट हो गया, तो जैसा कि मैंने अभी चार वर्ड दिया आप भाई का, तो सुन ही लिए कितना हार्ड गाया फ्री स्टाइल, कितना हार्ड था, मैं भी सुना शॉकिंग रह गया, बट अभी भाई अपने एक मन से गाएंगे तो यहाँ अकेले में नहीं पब्लिक का बीच में गाएंगे, ये भाई के लिए डेयर है पब्लिक का बीच में गाना गाने के लिए, तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा, तुम भी बना लो MC Hani मेरा नाम ब्रो, ये करता हार्ड हूँ मैं काम ब्रो, ए पहले आगे ले ले राम ब्रो, ए लेके देख तू मेरा नाम ब्रो, हाँ जब भी मैं चलूँ ये बीट पे तो फटता मैं हूँ बम, हाँ जब भी मैं आता हूँ हिप हॉप में बाकी रैपर खत्म, हाँ हिप हॉप मेरा ये जान है, हिप हॉप का करता मैं बेटा जतन, हाँ सर पे ये बांधू मैं घर से ये निकला मैं बांध के कफन, हाँ नेट में रहते हैं पूरा चमकते हैं रैपर तो मुझे ये देख के बमकते हैं, फिर भी तो अपन को कभी नहीं घमंड, इनको तो दूंगा मैं सीधे घुसंड, मेरी ये बातें तो लगी ये फास मुझे नहीं कर पाते कभी बर्दाश्त, मेरी तो बातें ये लगी कि फास चलो मैं बहुत ज्यादा तेज बाप को तू भेज, तेरी नहीं बस की ये बात मेरी तो बात ये लगेगी हार्ड, ले लेने दूंगा मैं तुझे भी सांस, निकालू जब भी मैं माइक पे बरास, तुम्हें लगा कि मैं लिख के हूं गाता पर मेरा तो ये फ्री स्टाइल है, जाके तू बेटा बंदी से पूछ कैसा मेरा स्माइल है, एक ही बारी में उसे पटाया फिर ओयो में जाके दम दम, ज्यादा बोलेगा तो यहां पे गिरेगा तुझे बेटा ये बम बम, लेके चलेंगे तुझे बेटा हम दम दम से लंदन, मेरे आने के बाद है खत्म, जब भी करता हूँ मैं फ्री स्टाइल, हाँ सबके चेहरों पे है स्माइल, ए जब भी करता हूँ मैं फ्री स्टाइल। भाई का रैप फ्री स्टाइल सुन लिए, तो भाई भी कुछ अपना बात रखना चाहते हैं, तो और एक भाई यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा ही प्यार मिला, मुझे ये उम्मीद नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा, तो कैमरा में यो, तो सब अपना ख्याल रखो और ज़्यादा घर से बाहर मत रहो, मैं ही बोलूँगा, और सॉरी मैं गाना वाना नहीं डालने सक रहा हूँ क्योंकि मुझे मतलब मेरा फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सो इसलिए मैं नहीं डालने सक रहा हूँ, और मेरा एक ट्रैक आने वाला है अभी कुछ दिन बाद, वो सरप्राइज ट्रैक है आपको, मतलब 1 से 2 वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, और हमारे एक यूट्यूब चैनल है ठीक है जिसमें हमारे डांसर्स भाई एंड जितने भी रैपर्स हैं सब उसमें है अंबुरा हाउस, तो गो चेक, एंड हमारे अंबुरा हाउस के एक बंदे हमारे साथ में अभी मिले मुझसे, तो मिस्टर आकाश, तो एक स्टेप अगर हो जाता तो एक स्टेप अगर हो जाता आकाश देना पड़ेगा, एक स्टेप अगर तो फिर चलते हैं, मिलेंगे फिर बाद में।